केरल के मुन्नार में एक रिजॉर्ट में करीब 60 पर्यटक फंसे, 20 विदेशी इसमें शामिल। मलबे की चपेट में आकर रिजॉर्ट की सड़क बही, केरल की सरकार की गुहार पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी आर्मी। इदुक्की डैम के सभी 5 चैनल खोले गए, आसपास के इलाकों से लोगों को हटाया गया। केरल के अलग अलग इलाकों में सेना के 8 कॉलम तैनात, इसके अलावा एनडीआरएफ और एयरफोर्स की टीमें भी तैनात। बाढ़ के गंभीर हालात को लेकर केरल के सभी सांसद पीएम मोदी से मिले। केरल में अब तक 26 लोगों की हो चुकी है मौत, राहत और बचाव का काम तेज। केरल के किरपाली में बाढ़ ने दिखाया कहर, इलाके के लोगों ने घर बार छोड़कर किया पलायन। एर्नाकुलम के मन्नापुरम इलाके में श्री महादेव मंदिर पानी में डूबा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस वालों की तैनाती। केरल के अलुवा में बाढ़ से गंभीर हालात, बढ़ती मुसीबत की कोस्ट गार्ड और नेवी कर रही है मॉनिटरिंग। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मामूली राहत, शुरू हुई विमानों की आवाजाही। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में टूटी पहाड़ी, मलबे में दबने से बाल बाल बचा स्कूटर सवार। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की तीर्थन घाटी में बादल फटा, 2 मकान, 1 गेस्ट हाउस और गौशाला तबाह। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में उफान में गानवी नहर, कार गिरने से के 2 लोग पानी में बहे। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बंद हुआ रायसेन विदिशा मार्ग, खाड़ नदी के पुल पर पानी भरने से आधा दर्जन गांव का संपर्क टूटा। राजस्थान के करौली में टोडा भीम घाटी में सड़क पर गिरी चट्टाने, यात्रियों की बड़ी मुसीबत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद सैलाब, हाईवे का एक हिस्सा बहा। उत्तरकाशी में जबरदस्त बारिश के बाद थराली उत्तरकाशी मार्ग बंद, एसडीआरएफ की टीम ने 500 श्रद्धालुओं को निकाला। उत्तरकाशी के धराली गांव में बारिश के बाद घरों के बीच से बहने लगी नदी जैसी धारा, घरों में घुसा मलबा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जान जोखिम में डालने को मजबूर, स्थानीय लोग नहरों के तेज लहरों के बीच से तय करते हैं सफर। यूपी के गाजीपुर में बारिश के बाद सड़क पर बने मौत के गड्ढे, 228 करोड़ की लागत से बनी थी सड़क। मध्यप्रदेश के पन्ना में हुई झमाझम बारिश, जिला अस्पताल में ओपीडी के सामने भरा पानी। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश, लोधी इलाके में कुछ जगहों पर भरा पानी। मुजफ्फरपुर में नहर में मिली चोरी हुई कार, रेस्क्यू के बाद अब जांच शुरू। लखनऊ में 20 फीट गहरे नाले में गिरी महिला, पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम से मदद से किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश नहीं होने से लोग परेशान, इंद्रदेव को खुश करने के लिए लोगों ने निकाली शव यात्रा। मानसून सत्र में पेश नहीं हो सका 3 तलाक पर संशोधित बिल, अब शीतकालीन सत्र में किया जाएगा पेश। आज दिनभर राज्यसभा में चलता रहा विपक्ष का गतिरोध, कांग्रेस का आरोप, पहले भरोसे मिले सरकार फिर बिल पर करे विचार। 3 तलाक पर कांग्रेस सांसद हुसैन दलवाई ने घसीटा श्री राम का नाम, बोले शक के आधार पर राम ने सीता को छोड़ा, अधर्म में पुरुषों का वर्चस्व, इस्लाम पर ही सवाल क्यों। विवाद बढ़ने पर हुसैन दलवाई ने अपने बयान के लिए मांगी माफी, कहा मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। 3 तलाक बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले कांग्रेस को आए सद्बुद्धि, बिल का करे समर्थन। 3 तलाक पर सोनिया गांधी बोली कांग्रेस का रुख साफ है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने उठाया राफेल का मुद्दा, इस पर बहस कराने और जेपीसी गठित करने की मांग। आनंद शर्मा की मांग पर बीजेपी ने किया पलटवार, केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कांग्रेस पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। राफेल के मुद्दे पर संसद परिसर में भी विपक्ष ने किया प्रदर्शन, सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई नेता शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से की बात, राज्यसभा के उपसभापति चुनाव में हरिओम का समर्थन करने पर दिया धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड बायोफ्यूल डे पर कार्यक्रम में
कार्यक्रम में हुए शामिल, बोले बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि भारत को नई ऊर्जा देने वाला मंत्र। नेहरू जिन्ना वाले बयान पर विवाद बढ़ने पर बैकफुट पर आए धर्मगुरु, दलाई लामा कहा मेरा बयान गलत तो मैं माफी मांगता हूं। राजीव गांधी हत्याकांड में दोषियों की रिहाई के विरोध में केंद्र, सुप्रीम कोर्ट में पेश किए अतिरिक्त दस्तावेज। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद से जेल में मिलने की मांगी इजाजत, यूपी सरकार ने किया इनकार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का फ्रांस में होगा इलाज, 14 अगस्त को हो सकता है ऑपरेशन। मुंबई से सटे नाला सुपारा में सनातन संस्था से जुड़े पदाधिकारी के घर और दुकान पर छापा, 8 देसी बम और गन पाउडर और डेटोनेटर बरामद। लंबे समय से मुंबई एटीएस के रेडार पर था आरोपी वैभव राउत, गिरफ्तारी के बाद विस्फोटकों के कनेक्शन की जांच जारी। बुल्ढाणा में मराठा आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों की गुंडागर्दी, आधे घंटे तक एम्बुलेंस को भी रोका, स्टाफ से करते रहे बदतमीजी। आरक्षण की मांग कर रहे कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर की आगजनी, टायर जलाकर रोका रास्ता। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मराठा आरक्षण को लेकर एक और शख्स ने दी जान, पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट। पाकिस्तान की जेल में 36 साल कैद रहने के बाद गजानंद को मिलेगी रिहाई, 13 अगस्त को पाकिस्तान कर सकता है रिहा। 1982 से अचानक अपने घर से गायब हुआ था गजानंद शर्मा, 36 साल बाद मिली परिवार को सलामती की खबर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष की रैली से पहले वापस जाओ के पोस्टर चस्पा, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। चेन्नई में डीएमके के वरिष्ठ नेता और महासचिवों के साथ एमके स्टालिन की बैठक, पार्टी की संभाल सकते हैं कमान। दिल्ली में सीसीटीवी लगाने की योजना को केजरीवाल सरकार की मंजूरी, कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया। बिहार के औरंगाबाद में ईडी ने नक्सली कमांडर की संपत्ति को किया जब्त, आरोपी पर 88 मामले दर्ज। इलाहाबाद में मार्बल कारोबारी को धमकाने के आरोप में 3 गिरफ्तार, असले और बम बरामद। लखीमपुर खीरी में 2 दिनों से लापता बुजुर्ग महिला का शव खेतों में मिला, पड़ोसियों पर हत्या का आरोप। अमृतसर में ट्रेनर की जिम मालिक को कार से कुचलने की कोशिश, वारदात सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में स्कूल परिसर में शराब की बिक्री, शराब माफियाओं के सामने प्रशासन पर पस्त। भिंड में छिड़काने के आरोपी के बीच सड़क पर धुनाई, लड़कियों ने चप्पलों से सिखाया सबक। बिहार के मनेर में संपत्ति विवाद में छोटे भाई ने सगे भाई को मारी गोली, आरोपी भाई और उसके दोस्त का अब तक सुराग नहीं। यूपी के लखीमपुर खीरी में कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में डंपर ने मारी टक्कर, 3 घायल। उत्तर प्रदेश के बलिया में सांप के काटने से युवक की मौत, झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ा रहा परिवार। बोकारो में लड़की के घर उसके प्रेमी की हत्या, कुएं से बरामद हुई लाश। फिरोजपुर में 15 अगस्त से पहले ट्रेनों को उड़ाने की मिली धमकी, आरपीएफ और जीआरपी ने बढ़ाई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के राफियाबाद एनकाउंटर के बाद बड़ी मात्रा में हथियार बरामद, 2 दिन तक चले ऑपरेशन में मारे गए थे 5 आतंकी। दिल्ली में अब महिला कमांडो लेंगी आतंकियों से लोहा, पुलिस को मिली पहली कमांडो टीम। स्वाट टीम में सभी महिला कमांडो पूर्वोत्तर की, करीब 15 महीने की दी गई है ट्रेनिंग। अब वाघा अटारी बॉर्डर पर लगेगा नया गेट, भारत और पाकिस्तान की सहमति से तैयारी पूरी। आरुषि हत्याकांड में सीबीआई की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर, सुप्रीम कोर्ट ने इसे हेमराज की पत्नी की याचिका के साथ टैग किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील पर तलवार दंपत्ति और यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। दिल्ली के गोल डाकखाना इलाके में सरकारी स्कूल के अंदर बच्ची से रेप, स्कूल का आरोपी इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार। बच्ची से रेप के बाद स्कूल के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन, नाराज लोगों ने की गेट तोड़ने की कोशिश। दिल्ली के सरकारी स्कूल में बच्ची से रेप पर मनीष सिसोदिया बोले एनडीएमसी चेयरमैन से मांगी रिपोर्ट। बालिका गृह केस में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम मुजफ्फरपुर पहुंची, डीएमसी की मुलाकात।
बिहार के गया में कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों का विरोध मार्च, कानून व्यवस्था की लचर हालत को लेकर नीतीश सरकार पर वार। मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मांगा नीतीश का इस्तीफा, कहा उनके पद पर रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं। राबड़ी देवी ने लगाया गंभीर आरोप, बोली सरकार बड़े अधिकारियों और नेताओं को बचा रही है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव को मोहलत, 20 अगस्त से बड़ी जमानत। भोपाल में आईटीआई करने गई दो दिव्यांग छात्राओं से हॉस्टल संचालक ने की बदसलूकी, इंदौर पहुंचने पर एनजीओ से पीड़ितों ने की शिकायत। भोपाल में दिव्यांगों से बदसलूकी मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई, हॉस्टल को सील किया गया। भोपाल मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का बयान, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। कटनी में एक शेल्टर होम से दो लड़कियों के फरार होने की खबर, अब तक नहीं मिला सुराग। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में दो मजदूरों की मौत, पेट्रोल पंप टैंकर की सफाई के दौरान हादसा। मुंबई के शिवाजी नगर में बीएमसी स्कूल के 60 बच्चे अचानक पड़े बीमार, पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के करौली में एक स्कूल बस ने दूसरे को मारी टक्कर, 10 से ज्यादा बच्चे जख्मी। जम्मू में रोहिंग्या के खिलाफ पैंथर्स पार्टी का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा के लिए बताया घातक। फरीदकोट में आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर प्रदर्शन, सामान्य वर्ग के लोगों ने किया पुतला दहन। केरल में बलात्कार के मामले को लेकर आरोपी बिशप से पूछताछ के लिए जालंधर पहुंची पुलिस, नन ने लगाया आरोप। कांवड़ियों की गुंडागर्दी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अटॉर्नी जनरल ने कहा अदालत जारी करे गाइडलाइन। 7 अगस्त को बुलंदशहर में हुए कांवड़ियों के हंगामे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी समेत 6 गिरफ्तार। बदायूं में सड़क हादसे के बाद कांवड़ियों ने की तोड़फोड़, टक्कर मारने वाली गाड़ी को किया आग के हवाले। मुजफ्फरनगर में NH-58 पर हादसा, ट्रक ने कांवड़ियों की ट्रॉली को मारी टक्कर से 7 कांवड़िया जख्मी। बिजनौर में बैंकों के बाहर रुपए छीन कर भागने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, गिरोह के 6 लोगों के होने का शक। बिहार के दरभंगा में वकील के घर फायरिंग में एक की मौत, जमीनी विवाद में हमले का शक। पुरानी दिल्ली की चितली कबर कॉलोनी में इमारत झुकी, पुलिस और एमसीडी की निगरानी में उसे गिराने का काम शुरू। यूपी के प्रतापगढ़ में टेम्पो और बाइक में जबरदस्त टक्कर, दो बाइक सवार समेत 6 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। भुवनेश्वर के अनंत वासुदेव मंदिर में लगी भीषण आग, बड़ी तबाही की आशंका। लखीमपुर खीरी में 2 दिनों से लापता बुजुर्ग महिला का शव खेतों में मिला। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की खराब शुरुआत, ओपनर मुरली विजय शून्य पर और KL राहुल 8 रन पर आउट। लॉर्ड्स टेस्ट में फिलहाल बारिश के चलते खेल रुका, टॉस जीतकर इंग्लैंड पहले कर रहा है गेंदबाजी। टीम इंडिया में 2 बदलाव, शिखर धवन बाहर, चेतेश्वर पुजारा को मिला मौका। 2 स्पिनर के साथ उतरी है टीम इंडिया, उमेश यादव की जगह कुलदीप यादव टीम में शामिल। इंग्लैंड की टीम में 1 बदलाव, मारपीट केस में पेशी के लिए गए बेन स्टोक्स की जगह वोक्स को मिली जगह। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।